देखिए माता रानी का मंदिर है, आप लोग से दुआ करते हैं कि आप लोग अच्छे रहें माता रानी की दुआ से, ठीक है। चेन्नई का चेक पोस्ट में मंदिर है आपका, ठीक है, जा रहे हैं, ये रोड है, इसी से जाएंगे चेक पोस्ट, आगे जाकर टर्निंग है, वहाँ से टर्निंग नहीं है तो मेन रोड पर आ जाएंगे, उसके बाद बस स्टैंड में जाके हम वेट करेंगे, वहाँ पर भैया आएंगे उसको ड्रॉप करके रूम लेकर आएंगे, बीच में चाय पियेंगे, ठीक है, और बिस्किट खाएंगे। जो आप देख रहे हैं यहाँ इसमें केले के पत्ते हैं, इसमें होटल में खाना इसी पे खिलाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ देखिए नारियल का दुकान सुबह सुबह खुल गया है, नारियल का पानी पीना चाहते हैं तो पी सकते हैं यहाँ से, ठीक है भैया। देखिए जो बाहर निकल सकते हैं ना, इले मावाड़ी का दुकान है, थोड़ा हिंदी जानते हैं आप लोग, यहाँ से राशन ला सकते हैं, ठीक है ना। बाकी धर्म का टाइम मिला है, आज तो संडे है। देखिए चिकन थुरन कट रहे हैं, बैग क्या है अभी दुकान खुल गया मोबाइल का, ठीक है, मोबाइल का न्यू दुकान खुला है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी चाय को पैर नहीं है तो मांग कर ही खाता है, उनको हम चाय बिस्किट लेकर देंगे आज का डेट में, ठीक है ना, उनके लिए चाय लाने के लिए, ठीक है, चाय ला के देते हैं उनके, उसके बाद आपको वीडियो दिखाते हैं, ठीक है, उनको बिन पैसा ना दे, ठीक है ना, पैसे मांगेंगे, पैसे ना दो तो चाय या खाने के लिए ला कर दे दे वो बढ़िया रहेगा, ठीक है। हम जा रहे हैं उनके लिए चाय लेकर जाएंगे और बिस्किट देंगे ले जाकर, ठीक है। देखिए वहाँ दुकान पे आपको हम क्या लगे हैं, यहाँ से जाएंगे चाय, ठीक है ना, पार्सल, हाँ देखिए चाय लेने के लिए यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, चाय यहाँ से ले जाएंगे उनके लिए, चाय पार्सल हो रहा है, ठीक है, के लिए चाय और होंडा ले जा रहे हैं, ठीक है ना, व्यक्ति तो पैसा मत कोई देना, ठीक है दोस्तों, मेरे पैसा मांगते हैं, क्यों ना विकलांग हो या कुछ भी हो, पैसा देने से कोई फायदा नहीं, ठीक है ना, दारू सभी पी जाता है लाकर, ठीक है, इसीलिए उनके लिए हम सुबह टाइम है 8 बजने वाला है, इसलिए हम चाय लेकर जा रहे हैं, बोंडा लिए हैं, ठीक है ना, उनको देंगे उसमें सब थैंक्स बोलेंगे, ठीक है, चलो आपको हम दिखाते हैं आगे जाकर, यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको हम जाके देंगे चाय और बोंडा, ठीक है ना, आगे उनके पास देखिए वो बैठे हुए हैं, ठीक है, चाय और बोंडा इनको देंगे, इनको सभी को पहचानने के लिए हमको हमेशा रहता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बैठे हुए थे सब ना, कौन सा गाँव है आपको? बिहार। बहुत बढ़िया, हम भी हरियाणा में, वो 22 साल रहता था, मुझे मुर्गी फार्म में काम करता रहता था, हिंदी मालूम है, ठीक है, हिंदी मालूम है, चाय पी रहे हैं, ठीक है ना, चाय पी रहे हैं, ये हरियाणा में रहे हैं, ठीक है ना, हरियाणा में 22 साल रहे हैं, ठीक है, अभी चेन्नई में रह रहे हैं, फिलहाल रूम मिले ना, मेरा रूम मिल गया बस ले, मेरा रूम चंगल पे, जहाँ से आते हैं बस से, ठीक है, ट्रेन नंबर लिया, ट्रेन में, ट्रेन में, ट्रेन से आते हैं आप, गिड्डी में उतर के वहाँ से पैदल में इधर इधर गया, 11:30 जाऊँगा, सुबह 5 बजे जाऊँगा, 5 बजे चले जाते हैं यहाँ से, जाते हैं ट्रेन से रोटी रोटी बहुत रोटी बनाते हैं, ठीक है ना, रोटी ला कर देंगे, बहुत बढ़िया है, कितना रोटी चाहिए? 4 रोटी बस, 4 सब्जी सब्जी आलू बैगन, ठीक है भैया, खाएंगे रोटी को लाकर बना कर देंगे 12 बजे रोटी, ठीक है ना, अभी तो हम किसी से आ रहे हैं लंच में, 2:00 2:00 11:30 तक बैठते हैं, उसके बाद चले जाता है, क्यों ना, को बहुत दूर में जाना है ना, अच्छा अच्छा, ठीक है, आज संडे का डेट है, संडे के लिए हम खाना बना के लिए कराएंगे रोटी, ठीक है ना, 10 बजे तक ला कर दे देंगे, साढ़े 11 के जाएंगे तब हो जाएगा, जाइए रोटी बना कर लेकर आएंगे अपना रूम से, ठीक है ना, चलो बाय, बोलिए बाय बाय।
तो डेली जंगल फिर से यहाँ पे आते हैं और डेली यहाँ पे बैठते हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे हिंदी वाले बहुत जाते हैं, तो कोई दूध या कोई चीज़ का उनको दे देते हैं, तो दिन भर में लगभग 500 रुपये उनको हो जाते हैं, तो उसमें गुजारा उनका चल जाता है, ठीक है ना। इसीलिए मैं इनको चाय ला कर दे दिया और बोला खाएँगे। उसको बोला कि रोटी मिलता तो अच्छा बात है, कोई दिक्कत नहीं, मैं उनको आई रोटी और सब्जी बना के देंगे उसको, ठीक है ना। मतलब वो 10:30-11 बजे हम चले जाएंगे, तो उसको बोला सर 11:30 बजे ला कर दे दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उनको ला कर आए, हम खुद अपने हाथ से बना कर उनको देंगे। पूरा खा लिया, क्योंकि आज संडे का दिन है, आज संडे में छुट्टी रहता है, ठीक है ना। भैया आए, उनको हम लेने के आ गए मेरे दोस्त, ठीक है। आपको दिखाते हैं अभी हिंदी वाला जो काम करने के जा रहा है, सवेरे यहाँ क्या कुछ हाय गाइस, देखिए रोटी बन गया है, उनको जी हम ले जाएंगे, जो आपको दिन दिखाए थे बस स्टैंड में रहता है, उसके लिए रोटी ले जाएंगे। देखिए मैं आपको रोटी दिया, रोटी भजिया बना दिया, उसके लिए चार रोटी ले जाना है। बेसहारा को मदद करना जरूरी है भाई, क्योंकि बताओ रोटी मांग के खा रहा हो, ठीक है ना। 2-3 रुपये देने से उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो दारू पी जाएगा कि हमारा चलने का नियम है, उतना दूरिया से आता है, 5 रुपये दिन में कमाते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम रोटी उसके लिए बनाए, बोला था रोटी हम खाएँगे, तो रोटी भजिया बना उसके लेकर जाएंगे, ठीक है। देखिए रोटी भजिया बना दिए हैं, ठीक है, उसके ले जाएंगे। यहाँ पे भुंजे बना हुआ अंडा के हम बनाए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे रोटी है, उसके लिए पैकिंग करके ले जा रहे हैं, उसके बाद आपको वीडियो दिखाते हैं। हेलो फ्रेंड, हम जा रहे हैं उसको रोटी देने के लिए, हम जा रहे हैं उनको देने के लिए खाना, फैलाव के लिए जा रहे हैं देने के लिए खाना, ठीक है ना। चपाती और रोटी है, ठीक है ना, उसको देकर फिर हम अपना रूम जाएंगे वापस, ठीक। अरे सब देखिए मिल के आ गए, रोटी दे दिया, ठीक है ना। राइट हां, लाइक 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 करो, शेयर करो, लाइक करो, शेयर करो, शेयर करो, शेयर करो। दिल से खाना लाके देगा मुझे, दिल से खाना लेके जिया। हम इधर खाना का नहीं सकते, वो दो साइड में दीवार रहता है, गाड़ी आता जाता है, मट्टी ऊपर गिरता है, गलिया रेलवे स्टेशन जाके आराम से हाथ पैर धो के और रोटी खा के आराम से जाओ। ठीक, थैंक यू।